स्वरूपनगर स्थित कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसके तीसरे दिन आत्मरक्षा के गुर विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य प्रोफेसर पूनम विज ने छात्राओं को उद्बोधन करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि के कारण छात्राओं व महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य आवश्यक बन चुकी है, जिससे कि वे खुद को विभिन्न आत्मरक्षा तकनीकों से प्रशिक्षित कर सकें। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रशिक्षक और शोतोकान कराटे एसोसिएशन के सचिव विजय कुमार ने छात्राओं से कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन व सरकार के दायित्व के साथ ही आवश्यक है कि महिलाएं खुद आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहें, जिसके लिए आत्मरक्षा की तकनीक की सही जानकारी जरूरी है। कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर दिनांक 24 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में हमारे 50 वॉलंटियर्स जो हैं वो भाग ले रहे हैं। शिविर के तीसरे दिन आज दिनांक 26 तारीख को आत्मरक्षा के गुर विषय पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए हमारे मध्य में श्री विजय कुमार जी सचिव शोतोकान कराटे एसोसिएशन हमारे मध्य में आए और उन्होंने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया, कराटे की ट्रेनिंग दी। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।